YouTube चैनल मैकेनिकल बाय चॉइस। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं BS4 FZS वर्सन 3 लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है इस बाइक का राइडिंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं यूज़ कर रहा हूँ BS4 वर्सन FZS वर्सन 3। तो यमहा का जो FZS वर्सन 3 है, मतलब उसको चलाने में मज़ा जो आता है वो मेरे पास ऑलरेडी FZ वर्सन 2 है। तो वर्सन 2 मेरे को आउटपुट बीच भी बहुत अच्छा देता है, परफॉर्मेंस बहुत सही है, लेकिन इसका जो स्टेबिलिटी है उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली इसका जो मेन मतलब फीचर्स मेरे को उससे डिफरेंट लगा जो है ABS वर्किंग वेरी सुपर। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि आप 60-70 में भी ब्रेकिंग कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि ब्रेकिंग विदाउट स्कीडिंग मतलब मस्त ब्रेकिंग होता है। उसके साथ आपको जो मेन फैसिलिटी और एक अच्छा मिलता है कि मैं देखा हूँ मेरा जो FZ वर्सन 2 है, वर्सन 2 में इकोनॉमी मोड मेरा 70 तक जाता है। मतलब मैं FI इंजन है इसमें, तो आप अगर चलाओगे तो इकोनॉमी मोड आपको शो करेगा 70 तक, लेकिन इसमें 75 तक। मतलब और मतलब रिफाइंड इंजन यमहा ने बनाया है, ठीक है। तो उसके साथ इसका लुक देखिए, लुक पूरा ट्रांसफॉर्मर लुक है, और मतलब आपको मज़ा आ जाएगा कि ऐसा एक बोल्ड लुक आपको मिलता है 150cc में, जो डोमिनेंट टाइप्स का कहीं का लुक्स देता है, ठीक है, बजाज डोमिनेंट टाइप्स। तो उसके साथ आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलेगा दिया हुआ है। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, जो डिस्क पैड का है उसका जो डायमेंशन है 282mm उसका डाया है, और जो थिकनेस है 3.5mm ऑलरेडी रिटर्न एयर, और ABS आपको दिखता है इधर, लोगो दिया हुआ है, आप फील करोगे जब चलाओगे मज़ा आएगा। तो रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, लेकिन इसमें ABS नहीं है, 220mm का डिस्क मतलब डाया है, और ये भी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मज़ा आएगा क्योंकि ABS में मेरे को जितना मोटा वाइड टायर था उसमें मेरे को ड्रम ब्रेक्स थोड़ा सा एफिशिएंट कम लगता है। मेरे पास जो है FZ वर्सन 2, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को ब्रेकिंग का इशू लगा पीछे का, लेकिन अभी वो ब्रेकिंग सिस्टम का इशू खत्म हो चुका है। उसके साथ जो टायर्स में आई है, तो 17 इंच का वो व्हील आपको मिलता है दोनों में। उसके साथ जो डायमेंशन है टायर्स का इधर रिटन है ऑलरेडी 100x80mm 17 इंच 52। ये जो है टायर का लोडिंग कैपेसिटी है, इसमें स्पीड में मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए रियर में आइए, फ्रंट में हो गया, रियर में आइए। रियर में टायर आपको वही सेम यमहा ने जो किया था सेम है टायर, 140x60mm कहाँ पे लिखा, इधर लिखा है 140x60mm 17 इंच का सेम उल, थोड़ा सा एलॉय का डिज़ाइन चेंज हुआ है, 63p का मिलेगा, मतलब इसका लोडिंग कैपेसिटी है, आप नेट में अगर चार्ट है मिल जाएगा 63mm। उसके बाद इधर आइए, फ्रंट का जो लुक है पूरा ट्रांसफॉर्मर लुक किया गया है, देखिए एकदम सॉलिड डिजाइनिंग विथ LED बल्ब्स। ये है अपर का, ये है डिपर का, ठीक है, चालू करके देख लेते हैं। ये है अपर दिया हुआ है, इसमें इसी में आपको स्विच मिल जाएगा पास का, सेम स्विच में पास भी मिलता है, ये अपर है और ये है डिपर, ओके। तो इसी में यमहा का लोगो भी इधर जाता है, जस्ट लुक्स लाइक्स ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो चलिए इसके बाद चलते हैं टैंक में। टैंक में देखिए ये जो ग्रिल दिया है, मस्त पूरा ट्रांसफॉर्मर टाइप्स लुक, एक बोल्ड लुक देने की कोशिश किया है ऑलवेज। ये जो क्रोम फिनिश के साथ, इसमें आपको जो एक क्रोम फिनिश FZS में आता है, उसके साथ जो FZS स्टिकरिंग और उसके साथ वर्सन 3 का लोगो पूरा दिया हुआ है, यहाँ यमहा का लोगो दिया हुआ है, और टैंक के ऊपर इस मैट फिनिश में है, और जो ब्लू कोर का जो स्टिकरिंग है मतलब इंजन में जो काम है यमहा ने किया है उसका स्टिकरिंग किया गया है। इसके साथ इधर आइए, आपको मिल जाएगा, स्विच में आइए, स्विच में मिलेगा आपको, इधर ही किल स्विच मिल जाएगा, ये देखिए, और ऑन कीजिए, इंजन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, साउंड यमहा का थोड़ा रिफाइंड हुआ है, इसके साथ किल स्विच गया। इसके बाद इधर आइए तो हॉर्न का स्विच, ये देखिए हॉर्न का स्विच मिल जाता है इधर, उसके साथ इंडिकेटर का स्विच, और एक ही स्विच में अपर नॉर्मल एंड पासिंग तीनों एक ही स्विच में मिल जाता है अभी, और दूसरा इधर पासिंग का स्विच नहीं दिया गया है, कोई सोचेगा कि पास नहीं दिया हुआ है। उसके साथ जो यमहा एक्सीलेशन का है, ये जो TPS सिस्टम पर चलता है, तो ये जो है आपका जो वायर है एक्सीलेटर वायर वो ऊपर से गया है, इधर देखिए वो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। जो मिरर्स है, ओके, जो उसका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया है। उसके साथ जो इधर आइए, टैंक बहुत मस्त है, ठीक है, टैंक का जो फिनिश है मैट फिनिश में दिया गया है वो मज़ा आएगा। इधर आइए, डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में एक यमहा का लोगो के साथ LED फुल LED डिस्प्ले, जो आप ऑन करेंगे तो ABS का साइन दिखाएगा, न्यूट्रल दिखाएगा, इधर आपका ऑयल इंडिकेटर या फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो दिखाएगा, ट्रिप दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, ये देखिए ये दिखा रहा है टोटल ODO, मतलब डिस्टेंस टोटल कितना गाड़ी कवर किया है, 2289, ओके। तो ये डिस्प्ले मोबाइल में सही से दिखता नहीं है क्योंकि OLED है, और उसके साथ जो आप चेंज करोगे तो इधर आपको Trip 1 मिलेगा, Trip 2 मिलेगा, ठीक है, उसके साथ टाइम मिल जाएगा, अभी 12:40, ठीक है। उसके साथ इधर आपको मिलता है फ्यूल इंडिकेटर, इधर है RPM, इंजन का RPM बोल देगा, इधर स्पीडोमीटर है, ठीक है। तो और जो है टैंक में जो है मतलब गाड़ी का चाबी आपको टैंक में मिलेगा, ये एक दूसरा टाइप का मतलब क्लासिक लुक्स देने की कोशिश किया है यमहा ने। तो एक क्लचिंग सिस्टम है, मल्टीप्लेट क्लच, वेट मल्टीप्लेट क्लच, जो मज़ा आएगा क्लचिंग करके आपको।
उसके साथ एक गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी एफजेड में जो स्प्लिट सीट था वो उसको चेंज करके पूरा फुल सीट दिया गया है, जो उसमें आपको अभी ट्रिपल राइडिंग भी होगा तो मज़ा आएगा। और दोनों में मतलब मेरा एफजेड में अगर मैं किसी को बैठाता हूँ तो अगर मेरा दोस्त लोग और दो जन को बैठाना बहुत मुश्किल होता था, मतलब आपको पूरा जो ड्राइविंग कर मतलब राइडिंग कर रहा है उसको पूरा अंदर घुसना पड़ता था, वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया, फुल सीट दिया गया है, ये पीछे का ग्रैब रेल चेंज कर दिया गया है, ठीक है, इसको अभी मतलब मज़ा आता है, मतलब जो लुक्स है और जो पकड़ने का जो फीलिंग्स है मतलब गाड़ी को जो और ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाता है। जो पीछे का ये है बैक लाइट को चेंज किया गया है डिज़ाइन, ठीक है, इंडिकेटर्स को चेंज कर दिया गया है। और इधर आइए तो पहले मैं बोलता हूँ यामाहा ने चेन में कोई चेंजिंग नहीं लाया, जो चेन है वही था, तो चेन ऑलवेज गुड, मतलब मेरे को होंडा जैसा प्रॉब्लम नहीं आया था साइन में। तो उसके साथ मैं अभी जो इंजन के बारे में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, 149 सीसी का एक इंजन दिया गया है जो है FI इंजन, ठीक है। तो FI इंजन में आपको पता ही होता है कि पंप रहता है, इंजेक्टर रहता है, तो उसमें कार्बोरेटर नहीं रहता है। वर्जन 1 आने के बाद वर्जन 2 से ही FI इंजन दिया गया था, उसके बाद इसको इसमें आपको 45 से लेकर 50 तक एवरेज मिल जाएगा सिटी में, और लॉन्ग में शायद आप सही चला लोगे तो मिल जाएगा, वो तो अपने अपने हिसाब से है। तो ये जो ये मतलब आपको दूसरे 150 सीसी के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत BHP और मतलब पावर और टॉर्क थोड़ा कम मिलता है यामाहा ने, लेकिन यामाहा में सबसे ज़्यादा अच्छा है कि उसका स्टेबिलिटी। ये नेकेड बाइक आप कहीं पे भी चला लो, भीड़ में भी, अगर आप फिल्टरिंग करना चाहते हो तो दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। ओके, तो इसमें मतलब नेकेड बाइक होने का सबसे मज़ा जो आता है मतलब थोड़ा बहुत इस रेंज में इसमें ही मिल जाएगा, ठीक है, आप लो ये बाइक। और यंगस्टर्स को तो बहुत पसंद है, इसका लुक स्पेशली बहुत सबको पसंद है। तो इसके साथ इसमें 5-speed ट्रांसमिशन मतलब जो गियर बॉक्स है वही मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। FI इंजन है, आपको मतलब पूरा आपका पेट्रोल कंजम्पशन एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके साथ जो आई टी की चलो डायमेंशनगुलो बोलोगी दिन देखें बोले दी डायमें सीट हाइट आपको मिलता है 790 mm, जो एवरेज इंडिया का जो सबसे मतलब एवरेज हाइट है 5.5, उसमें भी आपको इसमें बैठने का फीलिंग्स अच्छा आएगा, दोनों साइड आपको मतलब स्टेबिलिटी आएगा। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है देखिए नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, ठीक है, ये साइन SP में आता है 160 mm, जो 165 है इसमें मतलब आपको पूरा मज़ा आएगा, आप पूरा मतलब कहीं पे भी बम्पर में बम्पर लगने की चांसेस नहीं है अगर आप सही से लेते हो तो। उसके साथ जो इंजन के बारे में मैं बोल देता हूँ, ये है एयर कूल्ड इंजन विथ सिंगल सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशंस है मतलब बोर है 57.3 एंड स्ट्रोक है जो स्ट्रोक है जो जिस चीज़ का वॉल्यूम डिफाइंड होता है 57.9, ओके MM, सब MM में है। तो इसके साथ सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, इसमें आपको मतलब जो BHP मिलेगा मतलब जो पावर मिलेगा 13.2 मिलेगा एट 8000 RPM, एंड जो टॉर्क मिलेगा वो है 12.08 और 12 Nm टॉर्क मिलेगा एट 6000 RPM। ओके, तो यही है इसका इंजन का परफॉर्मेंस। इसमें देखिए पास में आइए, इसमें जो BS6 में चेंज किया गया था, BS6 में अभी जो आया है इसमें एक O2 सेंसर इधर और एक कैटालिटिक कन्वर्टर इधर लगा है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये BS4 का इंजन है, मैं आपको ये दिखा के नहीं बोल रहा कि ये BS6 है, BS4 का इंजन है वर्सन 3 का, ठीक है, इसमें जो सेंसर्स चारों लगे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आपको सुनिए मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आप यंगस्टर्स हो और आपको थोड़ा बहुत देखिए BS6 में टॉर्क ज़्यादा मिलेगा आपको और BS4 में आपको पावर ज़्यादा मिलेगा, मतलब मैं भी देखा हूँ BS6 में अगर आप फर्स्ट गियर में खींचोगे तो 47 तक नहीं जाएगा, इसमें जाएगा और उसमें 40 तक 41 तक जाएगा, लेकिन आप जो टॉप स्पीड मिलेगा इसमें ज़्यादा मिलेगा, उसमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, मतलब आप इनिशियली जो खींचोगे पिकअप उसमें ज़्यादा मिलेगा BS6 में। और BS6 थोड़ा सा रिफाइंड है, एफिशिएंसी माइलेज थोड़ा बहुत सबका ही एक ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको खरीद रहे हो तो डेफिनेटली BS4 या BS6 कौन सा आपको पसंद है आप मेरे को बोलो, और BS6 का रिव्यू अभी आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। डेफिनेटली वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।